प्रभु के नाम की स्तुति हो। यदि इन बाइबल स्टडीज को या इन संदेशों को आप नियमित रूप से सुनना चाहें, तो ये जो वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं, इसके नीचे सब्सक्राइब नाम का एक बटन है, उसको आप दबा दीजिए। उसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे, तो उसके बगल में घंटी का एक बटन और दिखाई देगा, उसको भी प्रेस कर दें। तो जैसे ही हम कोई भी वीडियो पोस्ट करेंगे, वैसे ही YouTube तुरंत आपको ईमेल से सूचना दे देगा। इस तरह कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। एक काम और कीजिए, उसके साथ साथ अपने दोस्तों को ये बता दीजिए कि वे लोग इस चैनल पर आके हिंदी में प्रभु के वचन का नियमित रूप से अध्ययन कर सकते हैं। क्या मालूम आपके मित्रों के जीवन में ये एक बहुत बड़ा सुझाव सिद्ध होगा। फिर से याद दिला दूं, इस वीडियो को सुनने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। नियमित रूप से सुनना ना भूलें और सब्सक्राइब और उसके बाद घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। प्रभु आपकी मदद करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो। सभी भाई और बहनों को प्रभु यीशु में जय मसीह की। जैसा अपन लोग इसके पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं हफ्ते में 2 बार क्लास लेता हूँ। संडे इवनिंग प्रभु के वचन का हम अध्ययन करते हैं आत्मिक प्रोत्साहन के लिए, लेकिन हर बृहस्पतिवार को हम लोग बाइबल स्कूल का जो सिलेबस है उसे कवर करेंगे। ग्वालियर में 15-16 साल से एक बाइबल स्कूल चल रहा है, ब्रदरन डिसाइपलशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसके अंतर्गत ये क्लासेस मैं हर शुक्रवार को लूंगा। उसके अलावा भी क्लासेस होंगे। उसके अलावा जो क्लासेस हैं वो भाई रणजीत अनाउंस करेंगे, क्योंकि उसमें विविध प्रकार के विविध टीचर्स आएंगे। लेकिन हर थर्सडे, हर बृहस्पतिवार का क्लास मैं लूंगा। पिछले हफ्ते अपन ने ये देखा था कि अनादि से अनंत तक का इतिहास बाइबल में क्या दिया हुआ है, ये एक पृष्ठभूमि थी। आज प्रभु ने मदद की तो हम इस बात को देखेंगे कि प्रभु के वचन की व्याख्या किस तरह से करनी है। भाई राजकुमार गब्बर सिंह, मुझे उम्मीद है कि आप ऑनलाइन हैं। आप अपना मोबाइल ऑन कर लीजिए और मैं जो पद बोलता जा रहा हूं उसको जरा पढ़ के सबको सुनाते चले जाएं। राजकुमार या गब्बर सिंह ऑनलाइन है क्या? मुझे लगता है कोर्ट में जिस तरह से जी ऑर्डर दिया जाता है, हाँ गब्बर सिंह है सर, है ऑन सर, ऑन कर लिया ऑर्डर। जी सर, है सर,
जी सर उपस्थित उपस्थित है सर। हो। मुझे लगा कि मुझे लगा कि ऐलान करवाना पड़ेगा कि नहीं साहब, साहब है, साहब है, जिंदा या मुर्दा बिल्कुल पकड़ के लाया जाए। ठीक है। ठीक है, है सर, ठीक, जरूर सर। हर बृहस्पतिवार को मुझे तुम्हारी मदद लगेगी, क्योंकि ये एक संदेश नहीं बल्कि बाइबल स्कूल का अध्ययन है, और इसमें कई विषयों में एक से ज्यादा पद पढ़ने होंगे। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय पहला पद जरा तुम निकाल कर रख लो, और हमारी बहन कमल जी जो राजस्थान के बॉर्डर पर, राजस्थान का बॉर्डर ही मेरा अनुमान है, वहां बैठ के इन पदों को आपके लिए डिस्प्ले कर रही है। दो तरह से ये पद आप देख सकेंगे, एक तो भाई गब्बर सिंह जब जब मैं बोलूंगा पढ़कर सुनाएंगे, और उसके अलावा बहन कमल जी इसको डिस्प्ले करेंगी। पहला पद जो हम देखेंगे, मैं जब बोलूंगा सिर्फ तभी पढ़ने की जरूरत है। राजकुमार मुझसे आगे मत भागना, मुझसे आगे भागोगे तो क्लास भी तुमको ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। इब्रानी एक एक जरा निकाल लो। आज हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है प्रभु के वचन की व्याख्या किस तरह से की जाए। आप एकदम से पूछेंगे कि ब्रदर, प्रभु का वचन तो प्रभु का वचन है, उसके उसकी व्याख्या करने की क्या जरूरत है? यह प्रश्न कई लोग पूछते हैं। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति किसी से बातचीत करता है तो उसके कहने का मतलब क्या है ये समझना जरूरी है। जब शाश्वत परमेश्वर मनुष्यों से बात करते हैं, और वो भी यदि 1,500 साल के लंबे अंतराल में परमेश्वर यदि कई लोगों के द्वारा कई लोगों से बातचीत करते हैं, और यदि वो सारी बातचीत हमारे सामने लिखित रूप में आ जाती है, तो कई बार उसकी व्याख्या जरूरी है, विशेषकर जब एक से ज्यादा भाषाओं में लिखी गई है। इस बात को हम याद रखें कि पवित्र बाइबल हम सब अपनी अपनी भाषा में देखते जरूर हैं, लेकिन पवित्र बाइबल हमारी भाषा में लिखा नहीं गया था। इसलिए पवित्र बाइबल का अनुवाद भी जरूरी है, पवित्र बाइबल की व्याख्या भी जरूरी है। भाई गब्बर सिंह इब्रानियों एक एक जरा हमको पढ़कर सुनाएंगे। जी सर, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह दे भाई गब्बर सिंह, जिस तरह से उत्साह के साथ पढ़ रहे हैं, प्रभु मदद करें कि उससे डबल उत्साह के साथ हम सब सुन सकें, क्योंकि हर जगह उत्साह ही उत्साह होना चाहिए जिससे कि हम प्रभु के वचन का सही रीति से अध्ययन कर सकें। प्रभु के वचन में हमने देखा पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके, जब ये इसको जब इब्रानियों की पत्री को पौलुस ने लिखा था, तब वो लोग बाप दादे शब्द किसके लिए यूज करते थे, मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ। इब्राहिम, इसाक, याकूब, मूसा, ये जो यहूदियों के बाप दादे थे, इनके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। और प्रभु का वचन कहता है कि बाप दादों में से थोड़ा थोड़ा करके हमसे बातचीत की। हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु के वचन की 66 पुस्तकें एक समय नहीं लिखी गई, एक साथ नहीं लिखी गई, बल्कि लगभग 1,500 साल के अंतराल से लिखी गई। और उसमें अपन देखते हैं कि अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक का इतिहास है। ये भी मैंने आपको याद दिलाया था कि प्रभु का वचन इब्रानियों और यूनानी भाषा में लिखा गया है। कुछ पोर्शन है जो कि अरामी भाषा में लिखा गया है, जिसको अपन आजकल सीरियन भाषा बोलते हैं। तो स्वाभाविक है कि प्रभु का वचन चूंकि हमारी भाषा में नहीं लिखा गया था, इसलिए उसका अनुवाद जरूरी है। और जब एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद होता है, तो कई बार जब तो कोई व्यक्ति उसकी व्याख्या ना करे तब तक बात समझ में नहीं आती है। हाँ, मैं इस समय प्रभु के वचन को व्यक्तिगत रूप से पढ़ने की बात नहीं कर रहा। जब हम प्रभु के वचन को व्यक्तिगत रूप से पढ़ते हैं वो अलग बात है, लेकिन प्रभु का वचन जब हम दूसरों के सामने रखते हैं तब प्रभु
प्रभु के वचन की सही व्याख्या बहुत जरूरी है। उससे संबंधित एक पद आगे जाने से पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है प्रकाशित वाक्य 22 और 18-19। प्रकाशित वाक्य 22 का 18 और 19। भाई मैं हर एक जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इन पुस्तक में लिखी हैं उस पर आ पड़ेगी। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले जो, तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। ये जो दो प्रभु के वचन में जो दो स्टेटमेंट है ये बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि विश्वासियों के बारे में है और यहाँ लिखा है परमेश्वर इन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। किस पर? विश्वासियों पर। 18वें पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। तो ये तो बहुत भयानक बात है। प्रभु के वचन में जो मुसीबतें लिखी गई हैं वो हमारे ऊपर बढ़ती चली जाएंगी, और प्रभु के वचन, प्रभु ने ये भी कहा है कि जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में जिसकी चर्चा प्रभु के वचन में उसमें से हमारा भाग निकाल दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु के वचन में जोड़ना बहुत गंभीर अपराध है, प्रभु के वचन में से कुछ घटा देना वो भी गंभीर अपराध है। जिसका ये मतलब हुआ कि जब हम प्रभु के वचन को दूसरों के सामने रखते हैं तब प्रभु के वचन की व्याख्या एकदम सही सही व्याख्या होनी चाहिए। उसमें जो बातें कही गई हैं उसके साथ साथ मेरी आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी जोड़ना नहीं है। और जब हम प्रभु के वचन की व्याख्या करते हैं तब प्रभु का वचन जो कहता है उसमें कोई भी बात घटानी नहीं है। जब कोई व्यक्ति कोर्ट में गवाह के रूप में जाता है तो कई जगह वो धर्म पुस्तक पर हाथ रखकर ये पहले साक्षी लेता है कि मेरा नाम फलाना है, मैं इस कोर्ट के सामने ये स्वीकार करता हूं कि मैं जो कुछ बोलूंगा वो सच बोलूंगा, पूर्ण सच बोलूंगा, सच के अलावा और कुछ नहीं बोलूंगा और कोई भी सच मैं छुपा कर नहीं रखूंगा। प्रभु, जब मनुष्य इतनी कड़ाई से सत्य को लेता है तो हम लोग जो प्रभु के वचन की व्याख्या करते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है कि प्रभु के वचन का जो सच है उसको पहले तो समझें। समझने के बाद हम उसको जैसा है वैसा दूसरों को बताएं, उसमें कोई भी बात छुपाकर ना रखें, उसमें कोई भी बात जोड़े नहीं। यदि उसमें से कोई बात बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में है उस पर बढ़ाएगा, और यदि हम उसमें से कुछ घटा देते हैं तो प्रभु भयानक सजा देंगे। आप कहेंगे कि इससे तो अच्छा है कि प्रभु का वचन ना पढ़ाया जाए। आप में से कई लोग शायद कहेंगे कि हाँ, प्रभु के दया से मैं ना तो इवेंजलिस्ट हूँ ना बाइबल टीचर हूँ, इसलिए मुझे तो प्रभु का वचन सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आपकी गलत फहमी है। पहली बात, हम में से जितने पुरुष हैं, हम में से लगभग सभी पुरुष कभी ना कभी मंडली में खड़े होकर प्रभु के वचन से कुछ ना कुछ तो बोलते हैं। ब्रदरन असेंबलीज में तो ये सिस्टम है कि प्रभु भोज से पहले 2-3-4 या बड़ी मंडली हो तो कई बार 5 या 6 लोग भी प्रभु भोज में भाग लेने से पहले जो विश्वासी एक साथ एकत्रित हुए हैं उनको आराधने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कुछ ना कुछ बोलते हैं। ये प्रभु के वचन की व्याख्या नहीं तो और क्या है? उसी तरह से तो बहने कहेंगे कि हम तो बच गए, क्योंकि प्रभु भोज से पहले तो भाई लोग संदेश देते हैं और प्रभु भोज के बाद भाई लोग संदेश देते हैं। ऐसा नहीं है, बहने बच नहीं गई हैं।
मसीही परिवार में हर बहन अपने बच्चों को प्रभु का वचन सिखाती है, सिखाना आपकी जिम्मेदारी है। नीति वचन में बुद्धि को माँ का स्वरूप दिया है, और नीति वचन में बुद्धि जब अपने बेटों से बात करती है तब बार बार वो अपने आप को माँ के रूप में दिखाती है, जिसका एक कारण ये है कि बच्चे प्रभु के वचन में या प्रभु के वचन के बारे में जो सबसे ज्यादा सीखते हैं वो माँ से सीखते हैं। कहा जाता है कि माँ का दूध जब पीते हैं उसके साथ साथ प्रभु का वचन उनको सिखाया जाना चाहिए। कई लोग ऐसा करते हैं, कई लोग दूध पिलाने के साथ साथ अपने बच्चों को मसीही गाने सिखाते हैं या गाकर सुनाते हैं, तो वहीं से प्रभु के वचन का व्याख्यान शुरू हो जाता है। और माँ जब आगे जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसको आदम हव्वा से लेकर प्रभु यीशु के जीवन की कहानी, उड़ाऊ पुत्र की कहानी और प्रभु यीशु के दोबारा आगमन के बारे में जब माँ अपने बेटे या बेटी अपने बच्चों को सुनाती है तो ये प्रभु के वचन की व्याख्या है। तो ऐसा ना सोचें कि मैं तो बच गया, मैं प्रचारक नहीं हूं और मैं बाइबल टीचर नहीं हूं इसलिए मुझे कभी बाइबल नहीं पढ़ाना पड़ता। गलत बात है। हम में से हर व्यक्ति को दूसरे से प्रभु के वचन के बारे में बोलना पड़ता है, बोलने का अवसर आता है। पुरुषों के सामने तो मंडली में बहुत सारे अवसर होते हैं, और बहनों के सामने नंबर वन अपने स्वयं के बच्चों को प्रभु के वचन के बारे में बताने के बहुत सारे अवसर आते हैं। उसके अलावा बहुत सारी मंडलियों में बहनों की प्रार्थना सभा होती है, बहनों की संगति होती है, वहां एक दूसरे को प्रभु के वचन के बारे में बताने के अवसर आते हैं। इस कारण प्रभु के वचन की व्याख्या हम में से हर व्यक्ति को करनी पड़ती है, करनी होगी। लेकिन याद रखें, मनमाना मनुष्य की इच्छा के अनुसार उसमें कुछ जोड़े नहीं, और हमको यदि कोई बात पसंद नहीं आती है तो हम उसमें से घटाएं नहीं। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि पूर्व काल में प्रभु ने थोड़ा थोड़ा करके हमको बताया, उनको समझकर उनकी सही व्याख्या करना जरूरी है। भाई गब्बर सिंह ने जो पढ़कर हमको सुनाया था इब्रानियों 1:1, उसमें सबसे आगे सबसे आखिर में हम देखते हैं उस पद के आखिर में कि अंत में प्रभु ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातचीत की है। पुत्र के द्वारा बातचीत की है का मतलब यह है कि प्रभु यीशु जब संसार में पधारे थे तब प्रभु यीशु के जीवन के द्वारा संसार के सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हमसे बात की। आप कहेंगे कि लेकिन ब्रदर हम में से किसी ने प्रभु यीशु को देखा तो नहीं है? नहीं देखा है, लेकिन हम जानते हैं प्रभु के बारे में। यहां तक कि गैर मसीही लोग भी जानते हैं। मेरे कई गैर मसीही लोग जब प्रभु यीशु के बारे में मुझसे लिखा पढ़ी करते हैं तो एक विशेष एक्सप्रेशन का उपयोग करते हैं। हिंदू लोग अक्सर प्रभु यीशु को करुणामयी ईसा बोलते हैं। उस हिंदू ने जिसने कभी प्रभु यीशु का दर्शन नहीं किया, आज से 2000 साल पहले जो प्रभु स्वर्ग चले गए, उस प्रभु के बारे में क्यों वो हिंदू करुणामयी ईसा के नाम प्रभु उसको करुणा में वो व्यक्ति उसको करुणा में ईसा बोलता है? क्योंकि प्रभु यीशु का जीवन प्रभु के 4 अनुयायियों ने बहुत अधिक विस्तार से लिखकर हमको दिया है। उसके अलावा प्रभु के शिष्यों ने और प्रभु के अनुयायियों के द्वारा पवित्र आत्मा ने हमको नए नियम में जो अन्य पुस्तक दिए हैं, जैसे प्रेरितों के काम का वर्णन है, उसके अलावा रोमियो से लेकर यहूदा, इसमें भी प्रभु यीशु के बारे में वर्णन आया है। तो जब प्रभु का वचन कहता है कि अंत में अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात की, तो उस पुत्र के बारे में तमाम सारे रिकॉर्ड्स पहले तो पवित्र आत्मा ने विस्तार से 4 सुसमाचारों में लिखवाया, और उसके बाद प्रेरितों से के काम से लेकर यहूदा तक की पुस्तक में लिखवाया, और प्रभु भविष्य में जब पधारेंगे तब जो बातें होने जा रही हैं, जिसमें प्रभु यीशु का रोल सबसे महत्वपूर्ण है, वो हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। तो
तो जब प्रभु का वचन इब्रानी 1:1-2 में कहता है कि अंत में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात की, तो उसका मतलब यह है कि सारा का सारा नया नियम परमेश्वर की बातचीत है हमसे, किसके द्वारा? प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु की जीवनी और प्रभु यीशु की शिक्षाओं के द्वारा। तो इस तरह से प्रभु यीशु के द्वारा या प्रभु यीशु के वचन के द्वारा जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं, और जब हम उस परमेश्वर के वचन को लेकर दूसरों को सिखाते हैं, तब हमारे लिए जरूरी है कि हम सही रीति से उसकी व्याख्या करें। लेकिन प्रभु के वचन की व्याख्या के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, तब हमको तीन बातें याद रखनी चाहिए। नंबर वन, जब प्रभु हमसे कोई बात कहते हैं, तो हो सकता है कि हम उसकी व्याख्या गलत करें। दूसरी बात, हम सही व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम प्रभु हमसे जो कह रहे हैं वो समझ ना पाए, तो इसके कारण हम गलत व्याख्या कर दें। तीसरी बात यह भी हो सकता है कि प्रभु हमसे कुछ कह रहे हैं अपने वचन के द्वारा और हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो जब प्रभु के वचन के व्याख्या की बात आती है, तो वहां तीन अलग अलग बातें हैं, और इन तीन बातों को समझना हम में से हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। और वो तीन बातें ये हैं कि प्रभु जब हमसे बात करते हैं अपने वचन के द्वारा, नंबर एक, हम जाने अनजाने हो सकता है उसकी गलत व्याख्या करें। नंबर दो, जाने अनजाने उसको गलत समझें। नंबर तीन, ये भी हो सकता है कि प्रभु हमसे बात कर रहे हैं लेकिन हम उसको सुन ही नहीं पा रहे हैं। तो प्रभु के वचन के मामले में इस तरह से तीन बातें हो सकती हैं, तीन तरह से हम प्रभु के वचन को या वचन की गलत व्याख्या कर सकते हैं। नंबर एक, फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं, गलत व्याख्या के द्वारा, गलत अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, या गलत व्याख्या के द्वारा, गलत समझ के द्वारा, और ना समझने के कारण। प्रभु हमारी मदद करे कि इन तीनों तरीके से मिस इंटरप्रिटेशन या गलत अंडरस्टैंडिंग हमारे जीवन में ना आए, बल्कि हम प्रभु के वचन को सही रीति से समझ कर अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को, मंडली में जो भाई लोग हैं, जो बहन लोग हैं, जिनसे हम प्रभु के वचन की चर्चा करते हैं, ताकि हम इन सब लोगों को सही रीति से समझा सके। मैंने तीन बातें बताई थी। नंबर वन, प्रभु के वचन की गलत व्याख्या की जा सकती है। हमसे उम्मीद नहीं करते, प्रभु हमसे ये उम्मीद नहीं करते कि हम गलत व्याख्या करेंगे, लेकिन कई बार प्रभु के वचन की गलत व्याख्या होती है, जानबूझकर लोग करते हैं। और इसका सबसे पहला और सबसे पुराना उदाहरण हम उत्पत्ति की पुस्तक के 3 अध्याय में देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक के 3 अध्याय को खोल लीजिए। जो घटना है वो हम जानते हैं। घटना यह है, प्रभु ने मनुष्य से कहा था कि इस बगिया में जितने फल हैं वो सब तुम खा सकते हो, लेकिन जीवन के वृक्ष का जो फल है उसको मत खाना, क्योंकि खाते ही तुम मर जाओगे। तो भाई गब्बर सिंह, उत्पत्ति 3 अध्याय के पहले पद से लेकर जरा 7 अध्याय को लेकर 1-3 तक जरा पढ़ दीजिए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बेनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। आगे, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम
उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। पर्याप्त है। देखा, धूर्त ने आकर स्त्री से पूछा कि परमेश्वर ने तुमसे ऐसा कहा क्या। वो प्रश्न ही बहुत ज्यादा धूर्तता से भरा हुआ था। धूर्तता से भरे हुआ ये जो प्रश्न सांप ने स्त्री से पूछा, तो स्त्री ने कहा कि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि फल तुम खा सकते हो, लेकिन जो भले बुरे के वृक्ष का फल है उसको मत खाना, और खाओगे तो तुम मर जाओगे। सांप ने उसकी व्याख्या की। सर्प ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं मरोगे, प्रभु स्वयं जानते हैं कि जब तुम उसको खाओगे तब तुम्हारा ज्ञान बढ़ जाएगा और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाओगे और तुम तो परमेश्वर के समान हो जाओगे। ये क्या था? व्याख्या थी। ये प्रभु के वचन की व्याख्या थी। इस बात को हम याद रखें, प्रभु ने जो कहा उसको स्त्री ने वैसा का वैसा अच्छी तरह से सही सही समझ लिया था, लेकिन स्त्री ने प्रभु के कहे को सही सही समझा, इसके बावजूद सांप ने अपनी या सर्प ने अपनी व्याख्या के द्वारा स्त्री के मन में गलत इंटरप्रिटेशन भर दिया। इससे हम एक बात अच्छी तरह से समझ लें कि प्रभु के वचन में, प्रभु का वचन मुझसे और आपसे जो कहता है उसको उठाकर कोई धूर्त आदमी व्याख्या करके चाहो तो प्रभु का वचन हमसे जो कहता है उसका बिल्कुल उल्टा हमको सिखा सकता है। आगे जाने से पहले मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। आज के प्रोग्राम के आरंभ में ही भाई रंजीत ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में बताया और ये बात भी बताई कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कितना अधिक पावरफुल है और किस तरह से उसकी पहुंच बहुत ज्यादा है, और इसकी पहुंच बहुत ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लगभग सभी घरों में पहुंच रहा है। इसके बारे में विश्वासी लोग कई बार बड़ी लापरवाही करते हैं। खासकर मैं अक्सर देखता हूं लोग आके पूछते हैं, ब्रदर फलाना टीवी प्रोग्राम मैंने देखा और उसके जो उसमें जो वक्ता है उन्होंने ऐसा 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 कहा है, और जब से उन्होंने कहा है तब से मैं उस बात के बारे में सोच रहा हूं। अक्सर मैं सर पीट लेता हूं। मुझे याद है आज से 4 महीने पहले जब ये जो कोरोना वायरस फैलना आरंभ हुआ था, तब टीवी पर एक प्रोग्राम आया था जिसको उठा के काफी यार लोगों ने व्हाट्सएप पर भी सब जगह फैला दिया था। उल्टी सीधी बातें फैलाने में लोग कुछ ज्यादा ही उत्साह लेते हैं, और मैं इसके पहले भी बता चुका हूं कि मसीही लोग इस तरह की चीजों को इधर उधर ना फैलाया करें, फॉरवर्ड ना किया करें। उसमें एक प्रीचर ने प्रभु के वचन से एक पद लिया जहां लिखा था, कोई मुसीबत तेरे घर में नहीं प्रवेश करेगी। उन्होंने कहा, भाइयों बहनों मैं इस बात को याद दिलाना चाहता हूं, प्रभु का वचन कहता है कि कोरोना आए दुनिया में लाखों मर जाए करोड़ों मर जाए, कोई भी मसीह विश्वासी नहीं मरेगा। हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारे आसपास सैकड़ों मसीही लोग कोरोना से ग्रस्त हैं। मेरी ही जानकारी में कम मैं जिस स्टेट में हूं, इस स्टेट के ही 15-20 लोग विश्वासी लोग, समर्पित विश्वासी लोग गुजर चुके हैं। क्यों? इसलिए कि प्रभु का वचन जो कहता है उसकी गलत व्याख्या करके हमारे मन में गलत प्रकार का विश्वास बैठाया जा सकता है। इस कारण सांप ने स्त्री से जो बोला उसको देखने के साथ साथ दो बातें मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं। नंबर वन, यदि हमारा ध्यान प्रभु के वचन की तरफ नहीं है, हमारा ध्यान यदि इधर या उधर है, तो बड़े आराम से लोग अपने व्याख्यान के द्वारा प्रभु के वचन को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने प्रस्तुत करके
हमारे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, जिस तरह आदम और हव्वा के साथ हुआ था। नंबर दो, इस तरह से प्रभु के वचन को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने रखने के द्वारा लोग हमारे मन में अविश्वास पैदा कर सकते हैं। इस कारण अनावश्यक चीजों को सुनने से बचें। आप प्रभु का वचन सुने तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से सुने जिनके बारे में आपको यकीन है कि वे लोग प्रभु के वचन को जैसा है वैसा ही आपको बताएंगे। प्रभु के वचन को तोड़ मरोड़ कर बताएं, मैं तीन बातें आपको बता रहा था। नंबर वन, प्रभु के वचन को तोड़ मरोड़ कर बताया जा सकता है। नंबर दो, प्रभु जो कहते हैं उसको गलत रीति से समझा जा सकता है। तो पहले पॉइंट का तो मैंने उदाहरण दे दिया, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है, शैतान ने किया सर्प के द्वारा। नंबर दो, प्रभु जो कहते हैं वो हम गलत तरीके से समझ सकते हैं। इसका उदाहरण हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 22वें अध्याय के 35 और 36 में। लूका 22, 35 और 36। भाई राजकुमार हमारे सामने इसे पढ़कर सुनाएंगे, लूका 22 का 35 और 36। जी सर। फिर पढ़ो पढ़ो। फिर उसने उससे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। उसने उनसे कहा, पर हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और उस जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े को बेचकर एक मोल ले ले। इस घटना को इसके शुरू के ही पद भाई ने हमें पढ़कर सुनाया है। पत्रस अन्य शिष्य सबसे जो प्रभु बात कर रहे थे, तब प्रभु ने कहा कि जिसके पास ये नहीं है वो ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले। अंत में प्रभु ने कहा कि एक तलवार भी ले लो। तो उन लोगों ने कहा कि प्रभु यहाँ तलवार है, तो प्रभु ने कहा पर्याप्त है। बाद में जब प्रभु को पकड़ने के लिए यहूदा अन्य लोगों के साथ आया, तब पत्रस ने वो जो तलवार है, या सही शब्दों में कहा जाए तो कटार लेकर वार किया, और हम जानते हैं कि एक व्यक्ति के कान को काट दिया, मलखाउस नाम के एक व्यक्ति के कान को काट दिया। प्रभु ने कहा कि तलवार को म्यान में रखो या कटार को म्यान में रखो। प्रभु ने ये भी कहा कि जो तलवार से वार करेगा वो तलवार से मारा जाएगा। आगे प्रभु ने काफी सारी बातें पत्रस को बताई हैं। समस्या ये थी कि प्रभु ने जब उनसे कहा कि कटार ले लो या तलवार ले लो, प्रभु ने एक उद्देश्य से बात कही थी, पत्रस ने उसको गलत समझा। तो प्रभु के वचन के व्याख्यान के बारे में जब हम देखते हैं, नंबर वन, गलत व्याख्या की जा सकती है। नंबर दो, हम उसको गलत समझ सकते हैं। यहां पत्रस ने गलत समझा था। प्रभु जो सर्वज्ञानी हैं, वो अपने शिष्यों से ये कहेंगे क्या? दो तीन बातें जरा हम सोच लें। वो अपने शिष्यों से ये कहेंगे क्या कि प्रभु को अरेस्ट करने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको तलवार से काट के, गाजर मूली के समान जो है काट के फेंक देना? नहीं, प्रभु तो संसार में आए ही थे अपने जीवन दूसरों के लिए देने के लिए, और इस कारण प्रभु कभी भी अपने शिष्यों को ये इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कि प्रभु के दुश्मनों को काट कर फेंक दिया जाए। नंबर वन। नंबर दो, प्रभु को गिरफ्तार करने के लिए कौन लोग आएंगे ये तो प्रभु शाश्वत काल से जानते थे। प्रभु को गिरफ्तार करने के लिए कौन आए? प्रभु को गिरफ्तार करने के लिए तो बड़ी सेना आई थी, काफी बड़ी सेना आई थी। उसके बारे में प्रभु के वचन में जो वर्णन है उसको यदि हम पढ़ें तो वहां हम देखते हैं तलवारें, लाठियां, मशाल लेकर एक बहुत बड़ी भीड़ प्रभु को गिरफ्तार करने के लिए आई थी।
तो ये लोग जो तलवार चलाने में उस्ताद हैं, लाठी चलाने में उस्ताद है, जिनके पास अंधेरे में देखने के लिए मशाल है, उनके विरुद्ध ये मछुए लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी तलवार हाथ में नहीं लिया, जिन्होंने कटार हाथ में नहीं लिया, ये लोग उनके विरुद्ध क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, एब्सोल्यूटली कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रभु उन लोगों से क्यों कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। पतरस ने ये नहीं सोचा, बस प्रभु ने कहा कि तलवार ले लो, और पतरस ने सोच लिया कि प्रभु की सुरक्षा के लिए प्रभु ने मुझे बॉडीगार्ड बनाया है। अरे एक मछुआ एक कटार लेकर ये जो सैकड़ों की भीड़ आ रही है लाठी भाले तलवार लेके, उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। और वो प्रभु जिन्होंने आंधी और तूफान को आदेश दिया था शांत रहो थम जाओ, उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। ये लोग जब लाठी और तलवार लेकर आए थे कुछ भी नहीं कर सकते थे, मतलब पतरस को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, प्रभु उसको रोक देते। प्रभु ने जो कहा था पतरस ने उसको गलत समझा। प्रभु के कहने का मतलब क्या था ये मैं आज जरा समझा दूं, क्योंकि प्रभु के वचन में जो बातें बताई गई हैं उसको कई बार हम गलत समझते हैं। नंबर वन, हमारी भाषा में जो अनुवाद है उसके कारण घटना को समझने में थोड़ी सी दिक्कत है। हमारी भाषा में उसको उसका अनुवाद हुआ है तलवार। प्रभु ने तलवार लेने को नहीं कहा था, प्रभु ने कहा था कटार ले लो। कटार ले लो क्यों कहा था, उसके पीछे एक और कारण है। हम सब इस बात को जानते हैं कि अलग अलग लैंग्वेज और कल्चर में किचन के लिए जो चाकू और छुरा यूज किया जाता है उसका शेप अलग अलग होता है। प्रभु यीशु के जमाने में कटार और उसके अलावा खान पान का सामान काटने के लिए जो चाकू है वो एक ही हुआ करता था, ये एक जैसा हुआ करता था। प्रभु अपने शिष्यों से ये कह रहे थे कि देखो मेरे जाने के बाद तुम लोगों को दूर दूर तक पैदल यात्रा करके मेरा शुभ संदेश दूसरों को सुनाना होगा, और जब दूसरों को सुनाना होगा तो एक काम करना, झोली ले लेना। इसके पहले प्रभु ने झोली लेने को मना किया था, लेकिन इस घटना में हम देखते हैं प्रभु कहते हैं झोली ले लेना, चप्पल ले लेना, और प्रभु ने कहा था कटार भी ले लेना। उसके पीछे कारण है, जब उस जमाने में लोग इस तरह से पैदल यात्रा पे जाते थे तो रात को सड़क किनारे कहीं रुक जाते थे, या तो पेड़ के नीचे या किसी गुफा में या किसी सराय में। गैस या मिट्टी के तेल का युग नहीं था, इधर उधर से घास फूस काट पीट के लाके आग लगा के उस पे खाना पकाते थे। तो ये जो चाकू जो साथ में रखते थे ये घास फूस को काटने के काम में लाते थे, नॉर्मल चाकू से थोड़ा सा बड़ा होता था। तो प्रभु के कहने का मतलब था मेरे बच्चों मेरे जाने के बाद तुम लोग जब ये शुभ संदेश लेकर सारे संसार में जाओगे, पैदल जाओगे, तुम जहां भी ठहरोगे वहां अपना खाना खुद पकाने के लिए घास फूस और झाड़ को काटने के लिए तुम्हारे हाथ में कटार होनी चाहिए। यह कटार लेने के लिए प्रभु ने कहा था, उसके अलावा खाने की चीजों को काटने के लिए इसी कटार का उपयोग होता था। तो प्रभु ने जब अपने शिष्यों से कहा कि एक कटार ले लेना, तो पतरस को लगा कि युद्ध के लिए ले लेना प्रभु के बॉडीगार्ड के रूप में काम करने के लिए। नहीं, नंबर वन, हमारी भाषा में जो अनुवाद है उसके कारण थोड़ी सी हमको गलतफहमी होती है। तलवार के लिए बिल्कुल अलग शब्द यूज होता है ग्रीक भाषा में, तलवार लेने को नहीं कहा था। यात्रा के समय यात्रा का जो किट है, ट्रैवलिंग किट है, उसमें
झाड़ियों को और घास फूस को काटने के लिए, भोजन को काटने के लिए, और वो लोग मांसाहारी थे तो इस कारण मांस आदि काटने के लिए जिस कटार की जरूरत पड़ती है, जिस बड़े छुरे की जरूरत पड़ती है, उसको लेने के लिए प्रभु ने कहा था। पत्रस उसको गलत समझा। गलत समझने के कारण क्या हुआ? अरे एक अकेला मछुआ इतने बड़े आर्मी के सामने कुछ नहीं कर सकता, ये भूल के वो कटार लेके मलखा उसके ऊपर पिल पड़ा। कुछ हुआ क्या? मछुआ क्या करेगा, वो कटार चलाना थोड़ी जानता है, गला काटने की कोशिश की होगी, उस कोशिश में कटा कान। प्रभु जब हमसे कुछ कहते हैं तब प्रभु की वाणी को सुनकर नंबर वन उसकी गलत व्याख्या की जा सकती है, जैसे अदन की वाटिका में सांप ने किया था, उसको गलत समझा जा सकता है जैसे कि पतरस ने किया था। एक तीसरी बात भी हो सकती है कि प्रभु जो कह रहे हैं उसको हम सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे, समझ में नहीं आ रहा है। और यदि किसी चीज को समझ नहीं रहे हैं तो वो तो गलत इंटरप्रिटेशन के समान है, क्योंकि प्रभु के वचन को हम समझ नहीं रहे, इसलिए हम बिना समझे ना समझ के रूप में उसमें से घटा रहे हैं। इस घटना को हम देखते हैं, इसका उदाहरण हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय के 25वें पद में। लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय 25 से लेकर 27 तक। भाई राजकुमार जरा पढ़ के सुने, लूका 24:25-27 तक। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मन बुद्धियों क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में की बातें का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे। पर्याप्त है, थैंक यू भाई राजकुमार, प्रभु आपको बहुत अधिक आशीष दे। हम जानते हैं ये घटना कौन सी है। दो चेले प्रभु यीशु के बलिदान के बाद दो चेले इम्माऊस नाम के गांव की ओर जा रहे थे, और जाते में वो बात करते हुए जा रहे थे। प्रभु उनके बीच में पहुंचे, पूछा कि भैया तुम कौन सी बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम कोई परदेशी हो क्या, जिसको नहीं मालूम क्या हमारे मुक्तिदाता को उन लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया? हम तो समझते थे कि वे तो दुनिया पर राज करेंगे, लेकिन उनको तो यहूदियों ने सूली पर चढ़ा दिया। और कुछ लोगों ने कहा कि वो तो पुनर्जीवित हो गए हैं, ये तो गजब की बात है। तब प्रभु ने उनसे क्या कहा, हे मंद बुद्धियों, प्रभु का वचन देखिए 24वां लूक 22 में हम देखते हैं। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपने महिमा में प्रवेश करे? और उसके बाद लूका 24 के 26वें पद में हम पढ़ते हैं, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रभु यीशु के संसार में आने के बारे में, प्रभु संसार में सेवा करेंगे इसके बारे में, प्रभु सूली पर चढ़ाए जाएंगे इसके बारे में, और प्रभु पुनर्जीवित हो जाएंगे इसके बारे में बाइबल की जो पुराने नियम की जो पुस्तकें हैं उसमें विस्तार से जानकारी है, लेकिन ये लोग नहीं समझ पाए थे। और इस कारण प्रभु ने भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में जहां जहां प्रभु यीशु के बारे में बताया है उन बातों को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से इन शिष्यों को समझाया। लेकिन समझाने से पहले प्रभु ने एक बात उनसे कही, मंद बुद्धियों, निर्बुद्धियों, क्यों?
हम जो प्रभु के बच्चे हैं यदि इस बात की उपेक्षा कर दें, इस तथ्य की उपेक्षा कर दें कि हमें प्रभु का वचन समझना हो तो प्रभु के वचन की व्याख्या समझनी होगी, इसकी उपेक्षा करें तो हम मंद बुद्धि हो जाते हैं। इब्रानियों की पत्री पढ़ना नहीं है भाई, सिर्फ सुन लेना, सभी लोग इसको मन में रखें। इब्रानियों की पत्री 5वें अध्याय के सबसे आखिरी पद और 6वें अध्याय के शुरू के पदों को जब हम देखते हैं तब हम एक बात वहां देखते हैं। 5वें अध्याय के आखिर में प्रभु का वचन याद दिलाता है, वहां पवित्र आत्मा यूं कहते हैं कि इसके बारे में तुमसे बहुत सारी बातें कहनी हैं, लेकिन तुम ऊंचा सुनने लगे हो। ऊंचा सुनने का मतलब यह है कि सुने ही नहीं देता है, यही है प्रभु के वचन का मतलब, मंद बुद्धि। हम यदि प्रभु के वचन को सही रीति से सुनकर प्रभु के वचन की व्याख्या करने के लिए तैयार नहीं है तो हम मंद बुद्धियों के समान, बहरों के समान अपने जीवन में व्यवहार करने लगते हैं। ये जो शिष्य इम्माऊस के रास्ते पर जा रहे थे, इनके बारे में जब प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं तो एक बात स्पष्ट है कि ये लोग प्रभु के वचन को जानते थे, क्योंकि जिस तरह से आज भाई राजकुमार आपको पढ़कर सुना रहे हैं या बहन यहां पर जो पद पोस्ट करती चली जा रही हैं, इस तरह से उनके सामने रखने के लिए प्रभु के हाथ में कुछ नहीं था। प्रभु मुंह जवानी उनको बता रहे थे और वो लोग उसको सुनकर, उनको याद आ रहा था कि हाँ ये पोर्शन पवित्र बाइबल में है, ये पोर्शन पवित्र बाइबल में है। तो ये अज्ञानी लोग नहीं थे। इम्माऊस के रास्ते पर जो शिष्य जा रहे थे ये लोग प्रभु के वचन से परिचित लोग थे, लेकिन प्रभु के वचन से परिचित होने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रभु के वचन को समझ लेंगे। आज शाम को मैं ये 3 बातें आपके सामने फिर से रखना चाहता हूं। 1, प्रभु जब हमसे बात करते हैं, 1, कोई भी व्यक्ति आकर उसकी गलत व्याख्या कर सकता है। उदाहरण, सर्प जो अदन की वाटिका में आया था। 2, प्रभु जब हमसे बात करते हैं तब प्रभु जो कह रहे हैं उसको हम गलत तरीके से समझ सकते हैं। उदाहरण, पत्रस, प्रभु ने कहा था मेरे जाने के बाद तुमको ट्रैवल करना होगा, दूर दूर तक यात्रा करके मेरा वचन सुनाना होगा, इसलिए अपने साथ ट्रैवलिंग किट ले लेना। जो लोग यात्रा करते हैं वो जानते हैं ट्रैवलिंग किट का मतलब क्या है। पत्रस को लगा कि प्रभु के बॉडीगार्ड के रूप में तलवार ले लेना या कटार ले लेना। 3, ऐसा भी हो सकता है प्रभु हमसे बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकल जा रहा है, हम उसका मतलब नहीं समझ रहे हैं। उदाहरण, इम्माऊस के रास्ते पर जो शिष्य जा रहे थे। इन 3 बातों को समझने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। एक और बात आपके सामने रखकर मैं आज का अध्ययन समाप्त करना चाहता हूं। 3 बात हम पढ़ते हैं और भाई राजकुमार पढ़कर सुनाएंगे। प्रेरितों के काम 8वें अध्याय का 30 और 31, लेकिन बाइबल बंद ना करें क्योंकि बाद में 34 भी पढ़ना होगा। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 30 और 31, भाई राजकुमार जरा पढ़ दें। जी सर। हाँ पढ़ लो। फिलिपुस ने उसकी ओर दौड़कर उससे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है। उसने उनसे कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो क्यों कर मैं समझू। उसने उनसे फिलिपुस ने विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। हाँ, उसके बाद 34वां पद भी जरा निकाल लीजिए, मैं जब बोलूंगा तब आप उसको पढ़ देना, ठीक है। जी सर।
यहाँ हम देखते हैं कि ये जो कुशी आदमी था, आजकल कुश को इथियोपिया कहा जाता है, इथियोपिया की रानी का एक बहुत ही बड़ा अफसर था, यहूदी नहीं था लेकिन सच्चाई जानने में उत्सुक था, और इस कारण जब वो अपने रथ में यात्रा कर रहा था तो यशया की पुस्तक को पढ़ता चला जा रहा था। पवित्र आत्मा की अगुवाई के कारण फिलिपुस दौड़ के उस रथ के साथ साथ दौड़ने लगा, और वहां वो कुशी आदमी प्रभु के वचन को जोर जोर से पढ़ रहा था। इसीलिए फिलिपुस ने पूछा कि भैया तुम जो पढ़ रहे हो उसको समझ रहे हो क्या? और जब फिलिपुस ने उससे पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है, 30वें पद में हम देखते हैं उस खोजे ने फिलिपुस से कहा, 30वें पद में उसने कहा, उससे कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं, और फिलिपुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। फिलिपुस ने क्या किया, 34वें पद में हम देखते हैं, 34वें पद को भाई राजकुमार जरा पढ़ दीजिए। जी सर, खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझे विनती करता हूं कि यह बात किस की भविष्यवक्ता किससे के विषय में कहता है, अपने में या किसी दूसरे के विषय में? हाँ, 35 भी पढ़ देना। जी सर, तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। तो देखिए, वो जो इथियोपिया का जो खोजा था वो प्रभु का वचन पढ़ता चला जा रहा था। जब फिलिपुस ने उससे पूछा जो पढ़ रहे हो समझ रहे हो क्या, तब उसका जवाब कितना एकदम से आया, जब तक कोई मुझे ना समझाए तब तक मैं कैसे समझूं, और उसके बाद उसने अनुरोध किया, उस अनुरोध के हिसाब से फिलिपुस चढ़ के रथ के अंदर बैठ गया, और फिलिपुस ने उसको बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से प्रभु यीशु का शुभ संदेश सुनाया। तो प्रभु का वचन, कई लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि प्रभु का वचन जब तक कोई व्यक्ति क्रमबद्ध तरीके से मुझे ना समझाए मैं उसको सही रीति से नहीं समझ सकता। ये जो इथियोपियो का या कुशी खोजा था वो इस बात को, प्रभु का वचन पढ़ रहा था लेकिन इस बात को समझ गया था कि कोई ना कोई मुझे समझाए तभी मैं उसे समझ सकता हूँ, इसलिए उसने कहा कि जब तक कोई ना समझाए तो मैं कैसे समझ सकता हूँ, इसलिए उसने फिलिपुस से रिक्वेस्ट किया। तो प्रभु के वचन में ही हमको इस बात का उदाहरण मिलता है कि प्रभु का वचन क्रमबद्ध तरीके से समझ कर उसे समझाया जाए, और इस कारण आज इस ऑडियंस में इस तरह के कई भाई या बहन हैं जिनको प्रभु ने इस बात के लिए बुलाया है कि वे प्रभु के वचन को या वचन की शिक्षा दूसरों को दें। आपके लिए जरूरी है कि पहले वचन का अध्ययन किस तरह से करना है ये समझें, और उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। नंबर दो, यदि आपको प्रभु ने इस तरह से दूसरों को वचन सुनाने के लिए नहीं बुलाया है तो भी आपके स्वयं के परिवार में आपके बच्चे, आपके छोटे भाई बहन और आपकी मंडली में अन्य लोगों के साथ प्रभु का वचन शेयर करने की जरूरत पड़ती है। खासकर ब्रदरन असेंबलीज में हम प्रभु के वचन को शेयर करने के को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, इस कारण प्रभु के वचन की सही व्याख्या सीख लें। तीन पॉइंट जो आज मैंने आपको बताए थे, तीनों पॉइंट फिर से याद दिला दूं। नंबर वन, प्रभु हमसे जो बोलते हैं दूसरे लोग उसकी गलत व्याख्या कर सकते हैं, उदाहरण अदन की वाटिका में सर्प ने जो किया था। नंबर दो, प्रभु हमसे जो बोलते हैं उसको हम स्वयं गलत तरीके से समझ सकते हैं, उदाहरण पत्रस ने कटार के बारे में जो गलत समझा। नंबर तीन, प्रभु का वचन हमसे बोलता है हम सुनते हैं समझ नहीं पाते हैं, उदाहरण इम्मा उसके रास्ते पर जो दो चेले जा रहे थे। प्रभु हमारी मदद करे कि हम सब इन बातों को समझकर प्रभु के वचन का अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले बन सके। क्लोजिंग में भाई रंजीत आ जाते हैं, तब तक मैं एक बात और आपको याद दिलाना चाहता हूँ, एडमिन कृपया आ जाएं। तब तक मैं एक बात जो आपको याद दिलाना चाहता हूँ वो ये है, प्रिय भाइयों,
प्रिय बहनों, प्रभु के वचन का अध्ययन ये अपने आप में कोई असाध्य बात नहीं है। इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब हम प्रभु का वचन लेकर उसे पढ़ने के लिए बैठते हैं तब एक डायरी और एक पेन जरूर साथ में रखें, एक डायरी और एक पेन जरूर साथ में रखें। क्यों रखें? जिससे कि प्रभु हमको जो प्रकाश देते हैं उस प्रकाश को हम नोट करते चले जाएं। इस तरह से नोट करने की आदत आप डाल लेंगे तो प्रभु का वचन और प्रभु के वचन की व्याख्या आप एक समय के बाद आराम से कर सकेंगे। आज का ये जो पाठ है इसको जब हम आगे देखेंगे तब कुछ विशेष पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, उसमें आप ये समझ जाएंगे कि किस तरह से डायरी में हम लिख सकते हैं। उसके अलावा एक चीज और, कई लोगों ने पूछा था कि ये जो बाइबल स्कूल के जो क्लासेस लिए जा रहे हैं इसका आउटलाइन या इसके नोट्स मिलेंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे। भाई रंजीत बाग ने एक स्पेशल ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप का नाम है BDTI, ब्रदरन डिसाइपलशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आप भाई रंजीत से जरूर रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको भी उस ग्रुप में जोड़ दें। मैं जो जो क्लासेस लूंगा इन क्लासेस के आउटलाइन मैं BDTI ग्रुप में पोस्ट करता जाऊंगा, जिसको आप वहां से बड़े आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। भाई रंजीत बाग हाजिर हो गए हैं, अब मैं उनके हाथ में सौंपता हूं। और आज जिन दो लोगों ने बाइबल से पद पढ़कर और पोस्ट करके मेरी मदद की, मैं उन दोनों को और ग्वालियर की मंडली को अपना शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।